दोस्तों 15 दिन में एक बार आंतों की सफाई जरूर करें। दोस्तों क्या आपको पता है कि अगर हमारे आंतों में गंदगी फंसी रहती है तो कितनी सारी बीमारियां हो जाती हैं। आज मैं आपको दो तरीका बताऊंगी कि 15 दिन में एक बार कैसे अपने आंतों की सफाई करें, और अगर आप चाहते हैं कि रोज़ाना आपकी आंतें बिल्कुल साफ़ सुथरी रहें तो उसके लिए भी मैं आपको उपाय बताऊँगी। तो दो तरीका मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए जिससे आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरह से आप अपने आंतों की सफाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी बताऊंगी कि आंतों की सफाई किन्हें करनी चाहिए और किन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है आंतों की सफाई करना। तो चलिए मैं बताती हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। सबसे पहले एक बात बताना चाह रही हूँ कि आंतों की सफाई अगर नहीं होती है तो किन किन समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या होती है दोस्तों, अगर हमारे आंतें नहीं साफ़ होती हैं तो पेट से संबंधित तमाम बीमारियाँ हो जाती हैं, जिससे हमारे चेहरे पर भी असर पड़ता है। चेहरे पर दाग धब्बे, मुहांसे, यहाँ तक कि बाल झड़ने लगते हैं, आँखों के नीचे डार्क सर्कल जैसी शिकायत हो जाती है, और पेट हमारा जब डिस्टर्ब होता है तो हमारी पूरी बॉडी पे इस पर इसका इफेक्ट होता है। अब ये जानते हैं कि किन लोगों को ज़रूर करना चाहिए आंतों की सफाई। सबसे पहले तो वो होते हैं जिन्हें कब्ज हमेशा बना रहता है, जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट होते हैं, जिनका पाचन नहीं ठीक होता है, लीवर जिनका ठीक से काम नहीं करता, जो लोग मोटे हो रहे हैं या मोटे हो चुके हैं और जिनके पेट में अक्सर दर्द बना रहता है, कब्ज, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी जैसी समस्या होती है, उन्हें अपने आंतों की सफाई ज़रूर करनी चाहिए। 15 दिन में एक बार करें दोस्तों, आपकी आंतें पूरी तरह से साफ़ हो जाएंगी और आपके पेट से संबंधित जो बीमारियां हैं ना वो भी दूर हो जाएंगी। और बहुत ही अच्छा सा उपाय बताऊंगी कि रोज़ अगर आप उसे करते रहें तो आपको कितना ज़्यादा आराम मिलेगा, आपके आंतों से संबंधित, पेट से संबंधित बीमारियाँ नहीं होंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि 15 दिन में एक बार कौन सा उपाय करते हैं। तो दोस्तों तो देखिए, 15 दिन में आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ हफ्ते में एक दिन चुन लीजिए, कोई भी डे चुन लीजिए जिस दिन आप खाली रहते हैं, संडे सबसे बेस्ट होता है, संडे के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको लेना क्या है, एक गिलास लीजिए गर्म पानी। गर्म पानी बहुत गर्म ना रहे, जैसे चाय पीते हैं उतना रहे, कि आपको चुस्की करके पीना है, सिप सिप करके पीना है। आप एक गिलास पानी लीजिए, उसमें आप लीजिए एप्पल साइडर विनेगर, जिसे सेब का सिरका कहते हैं दोस्तों, आप इसे लीजिए, अच्छे ब्रांड का लीजिए। सेब का सिरका आपको ऑनलाइन में मिल जाता है, आयुर्वेदिक शॉप पर मिल जाएगा, हर जगह आपको आसानी से मिल सकता है। आपको कैसे करना सेवन, आप यहाँ पर सेब का सिरका लेंगे दो चम्मच लीजिए सेब का सिरका, और इस गुनगुने पानी में इसको मिक्स कर दीजिए। इसके साथ आप इसमें डाल दीजिए शहद, क्योंकि जो सिरका होता है डायरेक्ट आप पियेंगे ना तो आपको इसका टेस्ट भी अच्छा लगा। हनी जो होता है ये हमारे पेट को सॉफ्ट करने का काम करता है, आंतों की खुश्की को दूर करता है, आंखों में जो हमारी आंतें होती हैं अगर उसमें किसी भी तरह के इन्फेक्शन है, छाले हैं, तो उनको भी रिपेयर करने का काम करता है। तो इसमें आप एक चम्मच शहद डाल दीजिए, यानी दो चम्मच सेब का सिरका और उसके अलावा एक चम्मच शहद, इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर दिए। दो चम्मच सिरका हो गया और आपका एक चम्मच शहद, इसको अच्छे से मिक्स करिए। और दोस्तों इसे आपको कब लेना, सुबह जब आप फ्रेश होके आते हैं ना, एकदम बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं तब लीजिए, बिना ब्रेकफास्ट किए हुए, यानी खाली पेट आपको सुबह सुबह इस उपचार को करना है। आप इसको करके देखेंगे दोस्तों, आपके जो पेट के अंदर जो कठोर से कठोर मल है वो भी सॉफ्ट होने लगेंगे, पेट के अंदर जो भी टॉक्सिन्स हैं वो भी दूर होंगे। इसके अलावा दिन भर आपको गुनगुने पानी का सेवन करना है। जिस दिन आप इस उपचार को करते हैं उस दिन आप जब भी पानी पीते हैं कोशिश यही करिए कि गुनगुना पानी पीजिए। अगर ऐसे प्लेन नहीं पी सकते तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा हनी चौथाई चम्मच डाल के आप पीजिए, थोड़ा सा नींबू का रस डाल के पीजिए। दिन भर आपको इस उपचार को करना है, इस रेमेडी को जब आप करते हैं, और दिन में आप ये कोशिश करें कि आप छाछ है जो घर का बना हुआ छाछ होता है उसमें अजवाइन और जीरा और काला नमक हींग का पाउडर इसको डाल के दिन भर कोशिश करिए कि पीते रहिए। तो पेट में फंसे हुए जितने भी टॉक्सिकेंट होते हैं, जो भी गंदगियाँ हैं दोस्तों, ये आपकी पूरी तरह से निकल जाएंगी और आपकी आंतें बिल्कुल साफ हो जाएंगी, क्लीन हो जाएंगी, जिससे आपकी जो बीमारियां होती हैं पेट से संबंधित, सबसे ज़्यादा बीमारी तो अगर हमें कब्ज की शिकायत है, जो लोग कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट होते हैं उन्हें तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती, क्योंकि कब्ज अगर है तो हमारे जो आंत होती है वो काम ही नहीं करता, उसकी जो पाचक अग्नि होती है वो बिल्कुल मंद हो जाती है, तो पाचन क्रिया ही हमारी सुस्त हो जाती है, इससे हमें कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे बवासीर की शिकायत हो जाती है, पेट में अल्सर की शिकायत हो जाती है,
जाती है, हमारी किडनी पे भी इफ़ेक्ट पड़ने लगता है, हमारा लीवर भी ठीक से काम नहीं करता है। तो कब्ज बहुत ही ख़राब चीज़ है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, कब्ज आपको आए दिन बनी रहती है, बार बार कब्ज हो जाता है या बहुत पुरानी कब्ज है दोस्तों, तो 15 दिन में आप इस उपचार को करते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बता दूँ, डेली आपको क्या करना चाहिए, अगर आप प्रतिदिन इसको करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। तो ये है सेब। सेब जो होता है दोस्तों, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है हमारे पेट को हेल्दी रखने के लिए, ये हमारे आंतों को हेल्दी करता है। आपको रोज़ सुबह सुबह टाइम पे एक सेब ले लेना है, मीडियम साइज़ का सेब लीजिए, उसको छील लीजिए या फिर छिलके के साथ ही आप इसको अच्छे से वॉश करके पोंछ के छिलके के साथ ही आप इसका जूस बनाइए। इसको जूस बनाने के लिए प्लेन सेब भी आप इसको पीस के बना सकते हैं, या फिर सेब को बॉयल करके आप इसे मैश करके इसका स्मूदी बना के ले सकते हैं। इसका जूस कैसे बनाएंगे, जो जूस बता रही हूँ दोस्तों बहुत इफेक्टिव है। एक सेब लीजिए, इसमें 2 से 3 पालक की पत्तियाँ डालिए, खीरे के 2 से 3 पीस डालिए और इनको अच्छे से मिक्स करके आप जूस बना लीजिए। आधा ग्लास जूस आपको सुबह खाली पेट पीना है, रोज़ आप फ्रेश होके आते हैं उसके बाद आधा ग्लास जूस पीजिए दोस्तों। ये आपके पेट को पूरी तरह से साफ़ करेगा, आंतों में फंसे हुए मल को दूर करेगा, आंतों में जितनी भी गंदगियाँ उनको ये दूर करता है। आपको इसे नियमित करना है। इसके अलावा दिन भर में आपको छाछ पीने की आदत जरूर डालना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके आंतें हेल्दी रहें, नौजवान रहें, आंतों में आप कभी भी जो उसकी पाचक अग्नि होती है हमारे पेट की कम ना होने पाए, हमारा डाइजेशन बूस्ट रहे, तो ये छाछ तक आपके लिए अमृत है, दवा से कम नहीं होता है। अगर आप अपनी हैबिट में अपनी रूटीन में छाछ बनाना सीख लेते हैं, छाछ को दिन में कम से कम 2 से 3 बार जरूर पीना चाहिए। विंटर का सीज़न है, छाछ की तासीर ठंडी होती है, तो आप धूप का टाइम दिन में जब रहता है दोपहर के टाइम पे कोशिश करिए कि 3 से 4 ग्लास इसी तरह से मीडियम साइज़ का ग्लास लेके 3 से 4 ग्लास पीजिए। अगर आप बहुत पुराने कब्ज के पेशेंट हैं, कॉन्स्टिपेशन बहुत बनी रहती है, आपके आंतों में बहुत ज़्यादा टॉक्सिकेंट हो गए हैं जिससे आपको कई सारी बीमारियां हो गई हैं, चेहरे पे मुहासे पिंपल्स डार्क सर्कल बाल झड़ने लगे हैं, तो ये सब आंतों में फंसी हुई गंदगी की वजह से होती है दोस्तों। तो छाछ एक अमृत की तरह है, आप दिन भर छाछ पीजिए। सुबह खाली पेट सेब का रस ले लीजिए, उसमें जैसे हमने बताया वेजिटेबल्स को डाल के, खीरा है और इसमें पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं, पालक है, इन चीज़ों को डाल के, हरा धनिया है, इनको डाल के आप बढ़िया सा जूस बनाइए पीजिए। इसके अलावा दोस्तों पानी की कमी कभी नहीं होनी देनी चाहिए, अगर आपके आंतों में बहुत ज्यादा टॉक्सिकेंट की शिकायत है, कब्ज के पेशेंट रहते हैं, तो दिन भर आप पानी खूब पीजिए जिससे पेट आपका हाइड्रेट रहे और जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी वेस्टेज हैं, वो हमारे बाहर निकलते रहें। इसके अलावा दोस्तों अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दी करिए। सब चीज करने के बाद अगर आपकी लाइफ स्टाइल हेल्दी नहीं है तो आपको कोई भी रेमेडीज फायदा नहीं करेंगे, तो लाइफ स्टाइल जरूर चेंज करिए दोस्तों। आप कितने भी बिजी हैं, मॉर्निंग में नहीं है टाइम तो इवनिंग के टाइम पर ही 15 मिनट अपने लिए जरूर दीजिए, उसमें योगा करिए या फिर पहले कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी जरूर करिए दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।